यूट्यूब चैनल, दिस इज मी रूबाब कंवल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट, क्योंकि आज मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी माई सिग्नेचर ब्राउनी रेसिपी। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में आप परफेक्ट ब्राउनी कैसे बेक कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर पे मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन होता है। इफ प्लान ए डजेंट वर्क, गो फॉर प्लान बी। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपके पास लाइक बटर नहीं है तो आप बटर की अल्टरनेटिव क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी ब्राउनी बहुत ही परफेक्टली बेक हो जाए और उसकी टेस्ट में भी कोई फर्क ना आए, कोई डिफरेंस ना आए और उसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा रिच और इनहांस होगा। तो आपके साथ मैं सारे टिप्स शेयर करूंगी, आपने वीडियो को एंड तक लाजिम देखना है। सो लेट्स गो टू किचन एंड स्टार्ट आवर बेकिंग। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। चॉकलेट ब्राउनीज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया डार्क चॉकलेट 200 ग्राम्स। आप लोग मिल्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डार्क चॉकलेट ज़्यादा अच्छी रहती है। मैंने क्रेव की लिया डार्क चॉकलेट 200 ग्राम्स। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ बटर 100 ग्राम्स। अगर आपने अनसॉल्टेड बटर लिया है तो आप थोड़ा सा एक चुटकी सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आपने सॉल्टेड बटर लिया है तो आप सॉल्ट मज़ीद ऐड नहीं करेंगे। तो इन केस अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है, आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट सेम आता है। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के अराउंड पानी ऐड किया है और अब इसको मैं करूँगी मेल्ट। मेल्ट आप लोग डबल बॉयल पे कर सकते हैं या माइक्रोवेव में कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट्स का टाइमर लगाकर माइक्रोवेव में इसको मेल्ट करूंगी। और अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप लोग डबल बॉयलर पे कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हीट भी कर सकते हैं। सो गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज अंडे और चीनी का बैटर बनाना है। चीनी मैंने लिया ब्राउन शुगर। अगर ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है, आप जो घर पे नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में लिया है रूम टेम्परेचर वाले 2 अंडे। तो चीनी की क्वांटिटी आपने लेनी है 125 ग्राम्स। तो जब तक मैं अंडों को और चीनी को मिक्स करती हूँ, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एज वेल। तो यहाँ पे आप सबकी आसानी के लिए मैंने एक और काम किया है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी रेसिपी जो है लिख भी दी है। अगर आपको यहाँ से मिस हो जाती है तो आप वहाँ से इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा। ब्राउनी रेसिपी के 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने वहाँ मेंशन किए हैं। तो तब तक आप मिक्स करते जाएंगे जब तक हमारा बैटर फ्लफी फ्लफी सा ना हो जाए और चीनी और अंडे जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। तब तक आप मिक्स करते जाएंगे। तो एट दिस स्टेज अंडे और चीनी का बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, फ्लफी फ्लफी सा हो गया है। अब जो चॉकलेट और बटर को हमने मेल्ट करने रखा था उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट और बटर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो दोनों बैटर हमारे रेडी हैं, चॉकलेट भी रेडी है और हमारा चीनी और अंडे का मिक्सचर भी रेडी है। अभी चॉकलेट को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको ऐड करेंगे चीनी और अंडे वाले बैटर में। आप लोग वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, उसकी खुशबू अच्छी आती है इसलिए वो ऐड कर लें तो बेहतर है, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। तो चलिए अब चॉकलेट वाला बैटर डालते हैं चीनी और अंडे वाले बैटर में और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जैसे ही मिक्स करेंगे आप चेक करिएगा किस तरह से थिकनेस आएगी आपके बैटर में। तो चेक करिए, जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे उतना ही बैटर आपका थिक होता जाएगा और एक स्मूथ सा टेक्सचर हो जाएगा आपके बैटर का। सो एट दिस स्टेज जब दोनों बैटर अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, अब ऐड करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा। तो ऑल पर्पज़ फ्लावर आप ऐड करेंगे 40 ग्राम्स। सो
सो गाइज एट दिस स्टेज ब्राउनी का बैटर जो है वो रेडी हो गया है बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में, लाइक 5 इंग्रेडिएंट्स में आप किस तरह से ब्राउनी बैटर रेडी कर सकते हैं वो आपको मैंने सिखाया। और अभी मैं जो मोल्ड लेना है वो मैंने लिया है स्क्वेयर मोल्ड, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है बटर के साथ और बटर पेपर लगा दें और सारा जो आपने अपना बैटर बनाया है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने डाल देना है। तो ओवन को आपने पहले से प्रीहीट कर लेना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 15 मिनट्स पहले ही आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है। तो एक और स्टेप आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, जब ब्राउनी आप ओवन में रखेंगे ना तो 20 मिनट्स के बाद आप इसको बाहर निकालिएगा और एक दफ़ा आप नाइफ के साथ दोबारा से सारा बैटर को मिक्स कीजिएगा। उससे ये होगा कि सारा बैटर फिर से यूनिफॉर्मली एक लेवल पर आ जाएगा और ऊपर से जो ब्राउनी का क्रंच होता है ना वो आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जी अब दोबारा से ओवन में ऐड कर देते हैं ताकि ब्राउनी अच्छी तरह से रेडी हो जाए। सो आफ्टर मोर 20 मिनट्स हमारी जो ब्राउनी है वो रेडी हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गई है। आप चेक करिएगा, मैं आपको नज़दीक से इसका क्लोज लुक दिखाती हूँ, आप चेक करें कितनी सॉफ्टनेस है। लुक एट दिस, कितनी यम्मी हमारी फजी ब्राउनी रेडी हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसको टेस्ट करेंगे आपको इसके टेस्ट से भी आइडिया होगा कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। सो दिस वॉज़ वेरी ईजी एंड क्विक ब्राउनी रेसिपी स्पेशली फॉर बिगनर्स, जो लोग फर्स्ट टाइम ब्राउनी बेक करेंगे एंड आई एम श्योर दे विल लव द टेस्ट एज वेल। आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपनी ब्राउनी अपनी कॉफ़ी के साथ एंजॉय। आप लोग भी मुझे बताइएगा आपको ब्राउनी के साथ किसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। सो दिस वाज इट फॉर माय टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय सिग्नेचर स्टाइल ब्राउनी रेसिपी। तो मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी ब्राउनी बनाई है, बहुत टेस्ट अच्छा आता है। आप लोगों ने इसको घर पे जरूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक लाजिम देना है। एंड बिगनर्स जो है जिनको भी बेकिंग नहीं आती वो ये रेसिपी को फॉलो करें तो परफेक्टली उनकी ब्राउनी बेक हो जाएगी। सो डू ट्राई इट एट होम। तो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। आई विल सी पीपल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।